नमस्कार, मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद ही रहेगा। शनिवार को हुई महाकाल मंदिर समिति की बैठक में आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खोलने पर कोई विचार नहीं हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि हर दिन 2 लाख लोगों को दर्शन करवाना संभव नहीं है। 4 जुलाई 2023 से ही गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। हालांकि वीवीआईपी भक्तों के लिए इसे खुला रखा गया है। आज ही अनिल अंबानी और टीना अंबानी ने गर्भगृह से महाकाल के दर्शन किए। बड़ागणेश के सामने का पथ है जो गेट नंबर 5 को जाता है, उस रोड को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे स्मार्ट रोड बनेंगे। सर, गर्भगृह में जो अभी रोक लगेगी उसको लेकर कुछ मिलने? देखिए, गर्भगृह में रोक लगाने का कोई आशय नहीं है, पर दिक्कत ये है कि व्यवस्था कैसे बनेगी। इतनी भीड़ में जब भी आप गर्भगृह में प्रवेश देते हैं तो बात गर्भगृह में 1 घंटे में अधिकतम 200 लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर मान लो 10 घंटे आप प्रवेश दो तो 2000 लोग दर्शन कर सकते हैं। 2 लाख लोग से ज़्यादा आते हैं, बाकी 1,98,000 लोग दर्शन कहाँ से करेंगे जब गर्भ सामने से दिखना बंद हो जाता है। चुनौती ये नहीं है कि गर्भ दर्शन कराना है नहीं कराना है, चुनौती ये कि 2 लाख लोगों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे हम। 2000 लोगों की सुविधा के लिए 1,98,000 लोगों को मना नहीं कर सकते। तो या तो कुछ सीमित प्रवेश इसी पर विचार होगा, देखिए क्या निर्णय। और कुछ बड़ा निर्णय कुछ हुआ होगा? बाकी तो सामान्य प्रक्रिया है। एक वो भी था सर, जो महाकाल के जो भस्मार्थी होती है उसको लेकर वो तो निर्णय हो चुका है, पहले ही हो चुका है, जो तत्काल शुरू करा जाए। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।